और इनका ये कहना है सर कि चूंकि घटना लगातार हो रही थी, नहीं नहीं घटना मुझे बोले सर, इसमें घटना जो है 6/1/2023 की है, रात 11:30 बजे, और उस दिन हम तो दूसरे केस में जेल में थे, टाइम नंबर उसका 800/22, और ये छूटा है सर, मैंने कुछ ज्यादा सीरीज पेश किया, ये छूटा है 1/2/2023 को, हम जेल में सर उसमें थे 21/12/22 से लेके 1/2/2023 तक, और एफआईआर में सर ये है कि 6 क्या वहां से जी सर जेल वो सही है, कोर्ट से आ गए ना, उस कोर्ट से आ गए सर, उसमें जेल तो वो जेल में थी जी, इसमें नहीं है, जेल से भी हमने वेरीफाई किया, कोर्ट से भी आ गए, कोर्ट से आ गए सर, बट इसमें महत्वपूर्ण ये है सर कि जो अभी ऑब्जेक्शन में जब आरोपी फरियादियां आई थी न्यायालय में, उसने बोला था कि मेरे से डेट गलत हो गई थी, ये फरवरी की घटना थी, 6 फरवरी को घटनाक्रम किया था, तो इसकी चीफ हो जान दीजिए, चीफ में अगर वो बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चीफ के बात करवा ले, स्पेशली डेट लिखी है एफआईआर में, तो गलत कैसे हो सकती सर, उसमें 11:30 बजे रात किया, उसके बाद वो रेगुलर करता रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दिन का घटना, लड़की की उम्र 14 वर्ष है और इंडल स्टेट है सर, डायरी सर डायरी, इसके खिलाफ इसी टाइप के दो मामले हैं, एक और मामला वो अलग मैटर, सिर्फ घटना वाली बात है जो 6/1/13 को हम जेल में थे उस दिन, जिस दिन रिपोर्ट की सर, चूंकि लड़की नाबालिग है, छोटी है उम्र में, उससे डेट में मिस्टेक हो सकती है कि वो डेट ध्यान ना हो और उसने डेट का जिक्र किया है फ्ले कोर्ट में, बट घटना उसके साथ लगातार हो रही थी, इससे डरी हुई थी, अगस्त तक हुई और लगातार अगस्त तक हुई है, और इसको ट्रायल कोर्ट ने भी इसको ऑब्जर्व किया है, बात यह है कि 6/1/2023 को जब हम जेल में थे तो रेप कैसे कर दिए, वो उसको वेरीफाई कर दिया ना, बता दिया कि वो फरवरी, वो उसने बाद में बताया कि फरवरी की घटना थी ना कि जनवरी की, स्पेशली एफआईआर में डेट लिखी सर, 6/1/2023 रात 11:30 बजे मेरे घर आए, मेरे साथ गलत काम किया, और उस दिन तो कस्टडी में थे, कोर्ट से भी रिपोर्ट आ गई, हम जेल में थे, बस बोल रहे हैं उसमें, हम भी डिनाई नहीं कर रहे, उसमें जेल में थे, जिस जो डेट आप उसमें एफआईआर में लिखी है, बट लगातार उसके साथ जेल से कैसे लगातार कर लिया सर, अगस्त तक हुआ ना, उसके बाद वो जब निकला उसके बाद वो लगातार उसके पास 24 में एफआईआर हुई, उसके बाद अगस्त तक एफआईआर, उसके बाद तो देखा उसको, और दादी ने सामने पकड़ा है उसको, वो को बुला के लेके सर, दादी के बयान जो है उसमें दादी ने पकड़ा है उसको, और हम जेल में सर, इसमें चालान भी पेश हो चुका है 29/3/2024 से जेल में है, सर 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 ये उसने ओरली कोर्ट में जब ऑब्जेक्शन करने आए तब बताया, तलब किया था कोर्ट में, रिकॉर्ड में नहीं है सर, क्योंकि हम तो चालान पेश कर चुके थे, नहीं सर चूंकि चलान पेश हो गया था इसलिए स्टेटमेंट नहीं किया, वो अब फाइनल स्टेटमेंट जब कोर्ट में होगा तभी वो स्टेटमेंट में आ सकता है, बाकी इसमें नहीं है, चलान में भी नहीं, कुछ भी नहीं है, वो लाके दिखा देंगे, एक महीने लेट डे हुई है, इसमें नहीं है सर, और मुलजिम को मतलब जेल में रहते हुए एक नया केस बनाने का एक फंडा है सर, ये कि जेल में भी नहीं बच सकता मुलजिम, वहां जेल में रह के भी रेप कर सकता है, जेल से छूटने के बाद लगातार किया है, वो गलती हुई है क्योंकि लड़की नाबालिग है, 14 साल की बच्ची है सर, स्पेशली डेट है, डेट बताने में कंफ्यूजन हो सकता है, अब क्योंकि जो एफआईआर करवाएंगे वो जो लिखवाएंगे वो बोलेंगे उसके डेट मिस, लेकिन वो दादी के बयान देखेंगे सर, दादी के बयान में है, सबके बयान पे है, पर स्पेशली डेट है 14 में डिले एफआईआर देखा है उसको, उसके बाद वो इंदौर लेके चली गई, ये लगातार प्रताड़ित करता रहा, और भी बोल लीजिए जो बकाव नहीं आया रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड में है वो बता, रिकॉर्ड में कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, नहीं मैं सर जल्दी बोला कि जी जी सर,
सर, और ये जिला बदर का इसके राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत इसको कार्रवाई हुई है इसके खिलाफ हाजिरी के लिए बोल दिया सर। सर डिले है तो कहां से, अगस्त अगस्त के बाद वो इंदौर लेके चली गई सर। जब ये लड़की जब ये सर कोतवाली में 22 मार्च 2024 को कोतवाली में ये अपराध दर्ज हुआ है। और नहीं नहीं आपको जानकारी में कब आई कि डेट गलत लिखी है पुलिस ने? नहीं नहीं हमारे यहाँ चालान पेश हो चुका था। जानकारी में कब आई आपके? वो तो उसने न्यायालय में जब इसकी जमानत के लिए सुनवाई लगी तो वहाँ उसने जज मैडम के सामने ना अपने आर्ग्यूमेंट उसको तलब किया था मैडम ने वहाँ। ये अभी 27 मई को सर चूंकि इनका कहना है कि चलान चूंकि हम फेस कर चुके थे और लड़की ने जब वहां पर बोला तब इनको पता चला। सर ऑर्डर लगा हुआ? हाँ सर ट्रायल कोर्ट के में आया है। संपूर्ण कलासी एकदम संदेहजनक नहीं है। डॉक्टर की घटना अगस्त 2020 तक लगातार चली सर। उसकी दादी के बयान है वो देखिए। एक मिनट में नहीं नहीं दिया कहीं नहीं दिया सर। ये ये इसमें आया है माह अगस्त 2023 में उसकी दादी ने नहीं सर।
और जो अंडर नेगलिजेंस, इसके कारण क्या होता है, इस तरीके की नकली होती है वो हमारे संज्ञान में तो चालान, हम तो चालान पेश कर चुके थे सर। कैसे डेट मिस हो सकती है, लेकिन अपराध तो लगातार हुआ सर। उसको नोटिस देके भेजा था सर। क्या सर गलती हुई है, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम हो गया, नहीं वो कार्रवाई करनी थी, हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। नहीं सर, वो गलती हुई है सर, निश्चित रूप से। नहीं सर, वो गलती तो है, निश्चित रूप से गलती है, नहीं सर, क्योंकि लड़की ने जो बयान दिया उस अनुसार प्रोसीडिंग हुई। सर कोर्ट की क्वेरी के बाद ही डेट पता लगे, सिर्फ ये है। नहीं, मैं सिर्फ ये बताऊं सर जी, सर इसमें लापरवाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सर हम तो चुके, इसको चालान पेश कर चुके थे, आपके पास कोई वो नहीं है। नहीं, मेरे हमारे पास तो कुछ उसने बताया थोड़ी, हमें थोड़ी कुछ बताया सर। वो बाद में इनको वहाँ पे ट्रायल कोर्ट से जो नहीं सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है। All right.